बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश कोर विषय का आज वीकली टेस्ट हुआ। उसी का आंसर श्री विपिन कुमार बिहारी, जो उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय बिराजपुर गोविंदपुर धनबाद में इंग्लिश के PGT शिक्षक है, उनके द्वारा यह आंसर तैयार करके दिया गया है। उन्हीं आंसर को आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है, आगा शाहिद अली का इलाज चल रहा था। क्या चीज का इलाज चल रहा था? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कैंसर का। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, शाहिद और लेखक ने प्यार साझा किया था तो किस में प्यार साझा किया था? तो ए ऑप्शन जो कह रहा है, रोशन आरा बेगुन से। बी ऑप्शन है, बॉम्बे फिल्म्स और किशोर कुमार से। फिर है, रोगन जोश से। और डी है आपका, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। तीसरा है, शाहिद ने अपनी मृत्यु के बारे में लेखक से कब बात की? तो कौन तारीख को बात किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, 25 अप्रैल 2003 को। चौथा है, शाहिद और लेखक उदासीन थे तो किसके प्रति उदासीन थे? तो वे क्रिकेट के प्रति उदासीन थे। पांचवा है, शाहिद ने अस्पताल से बाहर आते समय बैठने से इनकार कर दिया तो किस में बैठने से इनकार कर दिया? तो व्हील चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया। छठा है आपका, शाहिद अपने आखिरी दिनों में जानना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे? तो कश्मीर जाना चाहते थे। सातवां है, आगा शाहिद अली का निधन कब हुआ? तो उनका निधन जो है वो 8 दिसंबर 2001 को हो गया। आठवां क्वेश्चन है, शाहिद अपनी मौत के बाद लेखक से क्या करवाना चाहते थे? तो वो लेखक से क्या करवाना चाहते थे? तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ लिखे थे। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अपनी मृत्यु के निकट होने के बारे में जानने के बाद भी शाहिद ने क्या आनंद लिया? तो वे आनंद क्या लिए? तो यहाँ पर आपका नौवां का हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी जो है, बी है अपने घर पर इकट्ठा होना और कविता करना, ये दोनों चीज़ वो चाहते थे। दसवां है, शाहिद की प्रतिक्रिया क्या क्या थी जब उन्हें पता चला कि वह की बहुत उम्मीद नहीं थी? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ही वॉज क्लेम एंड अंडर टॉर्बल्ड, मतलब वह शांत और अविचलित था। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, शाहिद अली किस बीमारी से पीड़ित थे? तो शाहिद ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे जो बाद में कैंसर में बदल गया। 12 है, शाहिद स्पेनिश क्यों सीखना चाहते थे? तो शाहिद गार्सिया लोरका के लेखन का अध्ययन करने के लिए स्पेनिश सीखना चाहते थे। 13 क्वेश्चन कह रहा, 13 नंबर, शाहिद कश्मीर क्यों लौटना चाहते थे? तो इसका आंसर है आपका, शाहिद कैंसर के अपने आखिरी दिनों में कश्मीर लौटना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कश्मीर से थे और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था वहीं बिताई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देने में शाहिद के तीखेपन को दिखाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है, उदाहरण के लिए जब बार्सिलोना में एक सुरक्षा गार्ड ने पूछा कि क्या वह कुछ भी ले जा रहा है जो अन्य यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो शाहिद ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, केवल मेरा दिल। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शाहिद की उदारता की कोई सीमा नहीं थी, स्पष्ट करें। तो शाहिद जो है वो क्या है, शाहिद सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे। वह हर रात पार्टी करता था, कुछ लोग हमेशा उनके कमरे के अंदर जमा रहते थे। वे छात्रों, कवियों और रिश्तेदारों को कवर करते थे। कोई हमेशा अपने रसोई के कमरे में कॉफ़ी बना रहा होगा, यहाँ तक कि जब वह ब्रेन ट्यूमर का निदान करते हैं तो उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की
संगीति में अपने जीवन के बाकी हिस्सों को खुशी से मनाने का फैसला किया था। अक्सर कुछ लोग उसके अपार्टमेंट में इकट्ठा होते थे, वे कविता, वार्ता, गायन और प्रवचन करते थे। साहित्य ने खुद अपने दोस्तों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। वस्तुतः अपने जीवन के अंत तक वह कविता, हंसी और भोजन के अंतरहीन मेले का केंद्र था। 16 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य ने कथावाचन से क्या अनुरोध किया और उन्होंने साहित्य से क्या कहा? तो इसका आंसर है, कथावाचक ने साहित्य को सांत्वना देने की कोशिश की कि वह फिर से ठीक हो जाएगा। साहिद ने उसके आश्वासन को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी बात काट दी। उन्होंने कथाकार से उनकी मृत्यु के बाद कुछ लिखने का अनुरोध किया। कथावाचक चौंक कर चुप हो गया, लेकिन साहिद ने वादा निकालने की जिद की। कथाकार ने अंततः उनकी मृत्यु के बाद कुछ लिखने का वादा किया। तो ये थे आपके हिंदी कोर के प्रश्न के आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।